नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 66 के बारे में, ठीक है। अब हमेशा की तरह दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों टीम्स की सिचुएशन समझा देता हूँ। तो यार देखो, सिचुएशन तो दोनों ही टीम्स की खराब है ना। जो भी टीम ये वाला मैच हारेगी वो तो डेफिनेटली आईपीएल से एलिमिनेट होने वाली है, तो उनके तो प्लेऑफ खेलने के चांसेस कुछ बचेंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी जरूरी नहीं है कि वो भी प्लेऑफ खेले, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी भी टीम को प्लेऑफ में जाना है तो ये वाला मैच जीतना पड़ेगा। साथ ही साथ दुआएं मांगनी पड़ेंगी क्योंकि जो बाकी के मैच उनके रिजल्ट भी इनके फेवर में आए, ठीक है। अदर टीम्स के जो मैच हैं वो उनके रिजल्ट भी इनके फेवर में आने चाहिए, तभी जाके जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब कि प्लेऑफ में इनके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बहुत कम है, लेकिन डेफिनेटली यार दोनों की दोनों टीम्स जो है वो अपना चांस तो लेना ही चाहेंगी। तो देखना दोनों ही जो टीम है ना इस मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है। और बाकी बात करूं दोस्तों हमारी जीत की, तो यार आपको तो पता ही है कि यार आपको इस मैच में जीतने के लिए जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो खैर मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को तो आप ध्यान से पूरा देख लेना, इसमें तो कोई भी लापरवाही आपको करनी नहीं है, ठीक है। और बात करूं दोस्तों देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो देखो यार आपको आगे इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी प्रेडिक्शन मिल जाएगी, और साथ ही साथ इस मैच की एक डेमो टीम भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भी टीम मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ये रहेगी एक डेमो टीम, ठीक है। अपनी फाइनल टीम जो होगी इस मैच की वो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल पाएगी। और क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि यार फाइनल टीम अभी तक बनी नहीं है। आपको पता है अपनी जो फाइनल टीम होती है वो बनती है टॉस होने के बाद, जब अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आ जाती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो अपनी जो भी फाइनल टीम रहेगी दोस्तों इस मैच की वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आपको जरूर से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक दो सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों, फिलहाल में आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से 2 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं, ठीक है। विनिंग स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर दिए जाते हैं, फाइनल टीम्स अपडेट्स वगैरह सब आपको यहां पर मिलती है, ठीक है, एकदम फ्री में 2 लाख से भी ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़ो, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दिखाई दिया, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली जाएगी, तो आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और दूसरी बात यार, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार यहां पर भी पीछे क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारे साथ ऑलरेडी 5 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो यार अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो देखो ना यार नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, फटाफट से दबाओ, और उसके बगल में दोस्तों जो बेल आइकन आ रहा है वो भी दबा के जरूर से ऑन कर लेना। उसकी वजह से सारी अपडेट और सारी टीम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेगी। अब दोस्तों बात करते हैं देखो इस मैच के बारे में, तो यार ये वाला जो मैच है आज इवनिंग में 7:30 PM पर स्टार्ट होगा और ये वाला मैच भी दोस्तों उसी मैदान में खेला जाएगा जहां पर परसों वाला मैच खेला गया था, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला के अंदर है। अगर आपको याद हो तो अभी एक दिन पहले यहां पर मैच खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 200+ का टारगेट पोस्ट किया था और पंजाब किंग्स उसको चेस कर रही थी, बस थोड़ा सा कम पड़ गई थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यार धर्मशाला है तो ठंडा मौसम रहता है यहां पर, पिच में ज्यादा ड्राइनेस होती नहीं है, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। आज वाले मैच का भी मौसम दोस्तों वही रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस के समथिंग तापमान रहने वाला है और यहां पर डेफिनेटली ड्राई पिच अपन एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये वैसे भी है ना, बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ये वाला मैच भी अपन एक हाई स्कोरिंग मैच देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम्स का ये वाला मैच भी जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, लास्ट एंड फाइनल चांस है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पिच की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश पिच रहेगा, ये बात मैंने आपको बता ही रखी है, वेदर कूल रहेगा और इसलिए ड्राई पिच अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। ड्यू की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यार सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाती है, ठीक है। पिछले मैच में भी काफी ज्यादा ड्यू आई थी और उसकी वजह से भी देखो बॉलर्स को जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सेकंड इनिंग में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों स्विंग की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में स्विंग मिल सकती है दोनों ही इनिंग में, दोस्तों फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी स्टार्टिंग के 2-3 ओवर्स में अच्छी स्विंग मिलती है, ये बात मैंने वहां पर देखी है, ठीक है। तो इस स्विंग का फायदा दोनों ही टीम्स उठाना चाहेंगी। पंजाब की टीम की तरफ से हर्षदीप सिंह वगैरह अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं स्विंग कंडीशन में और राजस्थान की टीम की तरफ से ट्रेंट बोल्ट वगैरह अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं स्विंग कंडीशन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एवरेज स्कोर की तो यहां पर 180 मैंने लिखा है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच इससे भी ज्यादा हो सकता है, 200+ का स्कोर भी आपको इस मैच में देखने को मिल सकता है। और बाकी यार जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहां पर पहले बॉलिंग करना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं रिसेंटली यहां पर उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग की है ना, लेकिन वही बात आ जाती है यार कि रिसेंट रिकॉर्ड से ज्यादा ड्यू प्रीफर कर सकते हैं लोग, है ना, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू काफी ज्यादा आ जाएगी, इसलिए सेकंड इनिंग में कोई भी बॉलिंग नहीं करना चाहेगा, ठीक है। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करके अपने बॉलर्स का काम खत्म करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी यार दोस्तों आपको तो बताइए कि ये जो भी पिच रिपोर्ट मैंने आपको बताई है ये है एक जनरल पिच रिपोर्ट, ठीक है। इसमें इसकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो भी अपने पास टॉस के टाइम पे ही आएगी और वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, ठीक है। दोस्तों टॉस के बाद आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव ही रहना है, ठीक है। आप ज्वाइन अभी करके रख सकते हो, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, ये बात तो आपको पता ही है। अब दोस्तों बात करते हैं देखो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े फायदे के बारे में, और फायदा है पूरे
50,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, इस वाले मैच में भी विजन 11 आप लोगों के लिए लेके आया है पूरे 50,000 रुपए का गिव अवे। और ये बात तो मैंने आपको आईपीएल के स्टार्टिंग में बता दी थी कि भाई आईपीएल के हर एक मैच में विजन 11 आपको मिनिमम 50,000 रुपीज का गिव अवे देने वाला है। इससे ज्यादा का भी दे सकता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। विजन 11 दोस्तों हर महीने अपने यूजर्स के लिए 15 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च करता है ओनली गिव अवेज पे। और भाई इतना जो यूनिक एप्लीकेशन है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूँ विजन 11 अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड करो। इसके डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों विजन 11 पे और भी बहुत फायदे हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप गिव अवे से जीत सकते हो, और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी एंट्री फीस कितनी कम लगती है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले आप कंपेयर करके देख सकते हो, आप किसी भी एप्लीकेशन की दोस्तों एंट्री फीस उठा लेना, फिर विजन 11 की एंट्री फीस से कंपेयर कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ एंट्री फीस कम देके आप कितने पैसे अपने बचा सकते हो। आपको तो पता ही यार कि मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली विजन 11 पे इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एंट्री फीस कम देनी पड़ती है और मेरी विनिंग यहाँ पर आसानी से होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको और भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं जिनको अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। बस इतनी बात मान लो कि यार अगर आपको फैंटेसी में बड़ा जीतना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो आपको यार सेम टीम से खेलना है जिससे आप अभी खेल रहे हो, बस ऐसा है कि विजन 11 पे खेलना है, ठीक है। विजन 11 की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने आपको बताई दी कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार ट्राई जरूर करना, ट्राई करोगे तभी किसी चीज के आपको फायदे पता लगेंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो धर्मशाला के मैदान में आज तक टोटल 8 मैच खेले गए T20 इंटरनेशनल के, जिनमें दोस्तों 4 टीम पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और 4 टीम पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते, ठीक है। बाकी दोस्तों जो T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है वो आप खुद भी देख सकते हो। हम बात करेंगे दोस्तों T20 डोमेस्टिक यानी कि आईपीएल की, तो यार आज तक यहाँ पर टोटल 8 मैच खेले गए आईपीएल के, 1 मैच इस सीजन में और 7 मैच खेले गए थे 2013 के सीजन में यानी कि 10 साल पहले, ठीक है। अब बात करें दोस्तों 8 में से 6 मैच उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग की, और यही बात मैं आपको बता रहा था कि जनरली यहां पर उस टीम की विनिंग ज्यादा होती है आईपीएल में जो पहले बैटिंग करती है। पिछला मैच अगर आपको याद है दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग की थी क्योंकि पंजाब किंग्स ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग किया था, है ना। अब पंजाब किंग्स का डिसीजन गलत नहीं था क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू अच्छी खासी आ गई थी, लेकिन फिर भी यार बात ऐसी है कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए कुछ ज्यादा स्कोर पोस्ट कर दिया था। बाकी यार इस मैच की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक यार ड्यू को देखना चाहिए क्योंकि ड्यू हद से ज्यादा आती है ना, और इसीलिए आई थिंक टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने वाला डिसीजन ही समझदारी वाला डिसीजन है रहने वाला है। बाकी दोस्तों वेन्यू स्टेट्स की बात हो ही गई है, अब हम बात करते हैं देखो पॉइंट टेबल के बारे में। तो इसके बारे में तो एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दोनों टीम्स का दोस्तों आखिरी गेम है, 13-13 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, लास्ट गेम है और 6-6 मैच जीते हैं दोनों ने, 12-12 पॉइंट क्लेक्ट किए हैं। आपको बताया कि आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए जो सेफ पॉइंट होते हैं वो होते हैं 16, अगर ये वाला मैच जीत भी जाते हैं तो भी इनके मैक्सिमम पॉइंट हो पाएंगे 14, जो कि सेफ पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इनको दुआएं मांगनी पड़ेंगे कि बाकी के जो टीम्स के रिजल्ट हैं वो भी इनके फेवर में आए, ठीक है। और नेट रन रेट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स की काफी बेहतर है, पॉजिटिव में 0.1 की, वहीं पंजाब किंग्स की काफी डाउन है, तो पंजाब किंग्स की है माइनस के 0.3, ठीक है। इसलिए पंजाब किंग्स के तो ऐसा है कि प्ले ऑफ में जाने के चांसेस नेक्स्ट टू नील है ना, 0 ही मान लो, है ना लगभग, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के हैं 1% मान सकते हैं ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो यार वो भी आपके स्क्रीन के सामने। पंजाब किंग्स की अगर दोस्तों में बात करूँ तो पिछले 5 में से ओनली इन्होंने 2 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं। पिछला वाला मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हारे थे, उससे पहले दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया था, 2 मैच रेगुलर हुए इनके दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, ठीक है। ये वाला मैच हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम में, ये वाला मैच हुआ था धर्मशाला में, उसके पहले दोस्तों कोलकाता से हारे, मुंबई से हारे, और उसके पहले चेन्नई को इन्होंने जरूर हराया था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स की जो परफॉर्मेंस है वो तो काफी ज्यादा खराब आ रही है, पिछले 5 में से इन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है, पिछले 8 में से इन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते हैं और काफी खराब परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं। बात करें दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यार पिछले जो 10 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं उनमें से 5 मैच दोस्तों पंजाब ने जीते, 5 मैच राजस्थान ने जीते हैं, और लगभग बराबर परफॉर्मेंस ये दोनों टीम इस सीजन में भी दे रही हैं और एक दूसरे को भी देती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले जो 2 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में हुए थे उनकी, तो यार देखो इस सीजन में अभी तक 1 मैच ऑलरेडी खेला जा चुका है जो कि पंजाब ने जीता था, और पिछले सीजन में भी 1 मैच हुआ था जो कि राजस्थान ने जीता था, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ टॉप परफॉर्मर्स की इन दोनों पिछले मैच के बारे में, तो देखो यार आईपीएल 2022 में 2 मैच हुआ था, उनके टॉप परफॉर्मर्स आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। उस टाइम पे तो जॉनी बेस्टो ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन आपको तो पता है कि इस सीजन में तो जॉनी बेस्टो खेल ही नहीं रहे। उसके अलावा दोस्तों पंजाब की टीम की तरफ से जितेश शर्मा ने 38 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी, राजस्थान की तरफ से दोस्तों युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए थे और रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट लिया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इनिंग में, तो उधर यशस्वी जायसवाल ने 68 रनों की शानदार पारी खेली थी, शिमरन हेटमायर ने 31 नॉट आउट की शानदार पारी खेली थी। उसके अलावा दोस्तों पंजाब की टीम में से उस टाइम पे अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए थे और ऋषि धवन ने 1 विकेट लिया था। ये तो बात हो जाती है दोस्तों आईपीएल 2022 की, ठीक है। आईपीएल 2023 यानी कि इस सीजन की अगर अच्छी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो भाई शिखर धवन ने 86 नॉट आउट की पारी खेली थी, लेकिन ध्यान रखना शिखर धवन अभी थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये तो आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था ना ये वाला उस टाइम की बात है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने भी 60 रनों की पारी खेली थी, जेसन होल्डर ने दोस्तों 2 विकेट लिए थे, लेकिन जेसन होल्डर जो है अभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, और रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट लिया था। ध्यान रखना दोस्तों दोनों ही मैच में रविचंद्र अश्विन ने 1-1 विकेट लिया है, डिसेंट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बस नेगेटिव पॉइंट यह है कि धर्मशाला का मैदान है जहां पर स्पिनर
स्पिनर्स को उतना सपोर्ट नहीं रहता है, ठीक है। उसका दोस्तों संजू सैमसन ने जो है 42 रनों की शानदार पारी खेली थी, शिमरन हेटमायर ने 36 रनों की शानदार पारी खेली थी। हेटमायर का नाम भी दोस्तों दोनों जगह आ गया, ध्यान रखना। नाथन एलिस ने दोस्तों 4 विकेट लिए थे और अर्षदीप सिंह ने इस मैच में जो है 2 विकेट लिए थे, ठीक है। और अर्षदीप सिंह का भी नाम दोस्तों दोनों ही मैच में आ गया है, 2-2 विकेट दोनों ही मैच में इन्होंने चमकाए, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों कुछ टॉप परफॉर्मर्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के गिव अवे की। तो आपको बताया वीडियो के गिव अवे में तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, 5 विनर सेलेक्ट किया जाता है, उन सबको 500 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। और गिव अवे जीतने के लिए क्या करना होता है कि हमारे जो 3 गिव अवे के रूल है उनको फॉलो करते हुए हमारे जो गिव अवे के 3 सवाल है उनका आपको जवाब देना होता है, बस। अगर मैं बात करूं दोस्तों गिव अवे के रूल्स की, तो यार देखो रूल सिंपल है, आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है और आपको भाई इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर इन 3 में से आपने एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो फिर आप इस गिव अवे में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे गिव अवे के सवाल की, तो आपको बताना कि यार इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहेगा, आपको बताना कि ये वाला मैच कौन सी टीम जीतेगी, और आपको बताना कि इस मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने गिरेंगे, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, इसलिए हो सकता है कि 5 से भी ज्यादा लोग एकदम सही जवाब दे दें, लेकिन गिव अवे के विनर उन्हीं को बनाया जाएगा जो कि सबसे पहले सही जवाब देंगे और हमारे चैनल के जो रूल हैं, जो गिव अवे के रूल हैं, उनको फॉलो कर रखा होगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो पंजाब किंग्स की पूरी स्क्वाड के बारे में, तो यार वो आपकी स्क्रीन के सामने है ही है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब किंग्स के टीम न्यूज के बारे में। तो सबसे पहली बात तो देखो ऐसी कोई टीम न्यूज इनकी तरफ से आई नहीं है, बस पिछले मैच में आपको बताया कि अथर्व ताइडे जो कि नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे वो 55 रन बना के जो है रिटायर हो गए थे, है ना। अब रिटायर हेड तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन बात पता क्या है कि मेरे को लगता है कि पंजाब किंग्स का ये टेक्टिकल मूव था, क्योंकि अथर्व ताइडे ने 55 रन बहुत ही स्लो बनाए थे और पावर हिटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो पावर हिटर्स को ऊपर लाने के चक्कर में अथर्व ताइडे को रिटायर करवा दिया गया था। अब यार अगर मान लो कि रियली में इनको हल्की फुल्की इंजरी हो, तब तो ऐसा कि हो सकता है इस मैच में इनको रेस्ट दे दिया जाए, इस मैच में अथर्व ताइडे नहीं खेले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अथर्व ताइडे आपको इस मैच में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और वही बात है यार देखो जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। तो भाई एक बार वापस बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपका सबसे ज्यादा जरूरी काम है, आपको जरूर से ज्वाइन करना है, ठीक है। और ज्वाइन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो यार पंजाब किंग्स की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें दोस्तों चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं कि अथर्व ताइडे को हो सकता है बिठा दिया जाए, है ना। उसके अलावा दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में भी चेंज पॉसिबल है कि क्या पता किशोर रबाड़ा को भी बिठा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने भी दोस्तों पिछले एक दो मैच में कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों अपने पास नाम आता है शिखर धवन का, जिन्होंने भाई अपने करियर में टोटल 322 मैच खेले थे इस आईपीएल के सीजन में आने से पहले, जिनमें दोस्तों इन्होंने 9500 से भी ज्यादा रन बनाए और 33 से भी ज्यादा का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, ठीक है। इस आईपीएल के सीजन में भी दोस्तों इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस किया है, स्टार्टिंग में 40 रनों की पारी, 86 नॉट आउट की पारी, 86 नॉट आउट की पारी ध्यान है ना कौन सी टीम के अगेंस्ट आई थी, उसके बाद दोस्तों 99 नॉट आउट की पारी, उसके बाद दोस्तों ये इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद कोई खास पारी आई नहीं है ना, बस एक 57 रनों की पारी जरूर आई है, उसके अलावा पिछले 2 मैच में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म शिखर धवन चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों प्रभसिमरन सिंह की अगर मैं बात तो उनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, इन्होंने भी दोस्तों इस सीजन में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लास्ट मैच में शतक आया था, पिछले मैच में 22 रनों की पारी आई थी। उसके अलावा दोस्तों ये जो 60 रनों की पारी आपको दिख रही है ये आपको बताइए कि राजस्थान की टीम के अगेंस्ट आई थी, ये रिकॉर्ड मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अथर्व ताइडे की अगर मैं बात करूं, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, दोस्तों ये जो 66 रनों की पारी दिख रही है इसमें इन्होंने काफी अच्छी पावर हिटिंग की थी, बाकी उसके अलावा स्टार्टिंग के 2 मैच खराब गए थे, ये 13 रनों वाला मैच खराब गया था, 29 रनों वाला डिसेंट था, और पिछले वाले मैच में 55 रनों की पारी खेली थी, मतलब स्लो पारी थी, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है क्योंकि अपने को इन्होंने डिजायर्ड पॉइंट दे दिए थे, अच्छे पॉइंट दे दिए थे, ठीक है। लियम लिविंगस्टन दोस्तों डेफिनेटली अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छे पिक रहने वाले हैं, क्योंकि इस बंदे की परफॉर्मेंस ऐसा है कि आएगी तो काफी गजब आएगी, पिछले मैच में 94 रनों की शानदार पारी खेली थी, और आपको भी बताया गया लियम लिविंगस्टन अकेला ऐसा बंदा है जो कि मैच का पासा पलट सकता है, ठीक है। जितेश शर्मा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यार इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, पिछले एक दो मैच से आउट ऑफ फॉर्म ये भी चल रहे हैं, और एक बार के लिए हम अपनी स्मॉली की टीम में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सेम करन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वही बात है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों पॉइंट दे सकते हैं, पिछले मैच में दोस्तों बॉलिंग से 2 विकेट भी निकाले थे, और डेफिनेटली यार अगर खेलते हैं तो अपनी स्मॉली की टीम के तो अच्छे पिक रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी डिसेंट चॉइस हो जाते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने पास शाहरुख खान का ऑप्शन आ जाता है, बैटिंग ऑर्डर दोस्तों उनका बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए एक बार के लिए अपनी स्मॉल टीम में कंसीडर नहीं करूंगा। किशोर रबाड़ा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भाई अच्छे बॉलर हैं, इस सीजन में 5 मैच खेले हैं, 5 विकेट निकाले, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, थोड़ी सी ठुकाई इनकी ज्यादा हो रही है, और वही बात है यार धर्मशाला का तो मैदान ही जो है हाई स्कोरिंग पिच प्रोवाइड करवाता है, तो यहां पर भी इनकी ठुकाई हो सकती है, लेकिन अगर मान लो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा रहता है किशोर रबाड़ा तो आपकी टीम के लिए एक डिसेंट पिक हो जाएंगे, क्योंकि किशोर रबाड़ा एक क्वालिटी बॉलर है, ठीक है। नाथन एलिस की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो भाई पिछले मैच में ठुकाई इनकी भी हुई थी, विकेट इनको भी नहीं मिला था,
उससे पहले दोस्तों इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग की ही है, अच्छे खासे विकेट अपने को निकाल के दिए ही हैं। ये चार विकेट आपको बताया कि राजस्थान की टीम के अगेंस्ट इनके आए ही थे, तो नाथन एलिस तो अपनी टीम में रखने ही वाला हूं, ठीक है। राहुल चाहर की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, इस सीजन में दोस्तों विकेटलेस बहुत ज्यादा बार गए हैं ये, और इसलिए डेफिनेटली मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में ट्राई नहीं करूंगा। अर्षदीप सिंह दोस्तों डेफिनेटली मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं पिछले तीन मैच से दोस्तों, हालांकि अर्षदीप सिंह विकेटलेस जा रहे हैं ये बात ध्यान रखना, इसलिए अगर आप ड्रॉप करके चलना चाहो तो अपनी स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनकी खराब है। लेकिन राजस्थान की टीम के अगेंस्ट इन्होंने जो पिछले दो मैच खेले हैं दोनों मैच में दो दो विकेट निकाले हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बार के लिए मैं अर्षदीप सिंह को अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है। एंड लास्ट में दोस्तों हरप्रीत बराज आ जाते हैं जिनकी ठुकाई हो रही है, और डेफिनेटली यार सेकंड लास्ट मैच में चार विकेट ले लेकिन ऐसा है कि वहां पर जो है सपोर्ट था थोड़ा सा, है ना, इनकी ट्राइब की बॉलिंग को, अब धर्मशाला में स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं रहेगा तो ठुकाई ही होने वाली है, ठीक है। ये बात हो गई है दोस्तों देखो पंजाब की, अब बात करते हैं राजस्थान की। जो यार जो पूरी स्क्वाड है राजस्थान की टीम की वो आपकी स्क्रीन के सामने है, और अब हम बात करते हैं दोस्तों तो देखो टीम न्यूज के बारे में, लेकिन यार टीम न्यूज से बात करेंगे उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार आपके भाई का ही वीडियो है, फटाफट से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों अपन लाइक टारगेट रख के चलते हैं 8000 लाइक्स का, आई होप यार 8000 लाइक तो आप कंप्लीट कर ही दोगे आराम से, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया नीचे देखो लाइक का बटन आ रहा होगा, फटाफट से आपको दबा देना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो टीम न्यूज के बारे में, तो सबसे पहली बात ये तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन में स्टार्ट काफी अच्छी मिली थी, लेकिन उसके बाद इनका जो डाउनफॉल हुआ है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है। पिछले जो 8 मैच इन्होंने खेले उनमें से सिर्फ 2 मैच इन्होंने जीते, 6 मैच ये हार चुके हैं, पिछले 5 मैच से सिर्फ 1 मैच जीता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रेंट बोल्ट का आपको बताया कि पिछले मैच में आपको खेलते हुए नजर नहीं आए थे, उनकी जगह एडम जंपा खेलते थे, लेकिन यार इस मैच में आपको बताया कि ट्रेंट बोल्ट रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि इनको स्विंग मिल सकती है, स्टार्टिंग में इनको फायदा मिल सकता है, और इसलिए ट्रेंट बोल्ट को वापस खिलाया जा सकता है, और स्पिनर्स को तो वैसे भी यहाँ पर ठुकाई ही होती है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों संदीप शर्मा का इस पर्टिकुलर ग्राउंड में ठीक रिकॉर्ड है, इन्होंने जो 6 T20 के मैच खेले हैं धर्मशाला के मैदान में उनमें 10 विकेट इन्होंने लिए, तो ध्यान रखना संदीप शर्मा आप लोगों के लिए डिसेंट पिक हो जाते हैं खास करके ग्रैंड लीग की टीम्स के लिए। उसके अलावा दोस्तों युजवेंद्र चहल जो है ना उनका पंजाब किंग्स की टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, पंजाब किंग्स की टीम के अगेंस्ट दोस्तों इन्होंने जो 18 मैच खेले उनमें 29 विकेट लिए हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं। अब यार डेफिनेटली चहल की बॉलिंग को हो सकता है इस मैच में उतना सपोर्ट नहीं मिले, स्पिनर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिले, लेकिन फिर भी यार चहल आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं क्योंकि ध्यान रखना पंजाब किंग्स की टीम के लिए अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं और अच्छे विकेट अपने को निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास आई नहीं है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और वही बात है यार कि और कोई रिपोर्ट आएगी टॉस होने तक आ जाती है तो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये रही राजस्थान रॉयल्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आता है जोस बटलर का, जिन्होंने भाई अपने करियर में टोटल 350 मैच खेले थे इस आईपीएल के सीजन में आने से पहले T20 के, ठीक है, जिनमें इन्होंने दोस्तों 9700 से ज्यादा रन बनाए, 34 से ज्यादा का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं। इस सीजन में दोस्तों ऑलरेडी 4 बार डक पे आउट हो चुके हैं जोस बटलर, लेकिन फिर भी आपको बताया अपन अपनी स्मॉल लीग टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर रखेंगे क्योंकि पिछले 2 मैच में डक पे आउट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले 95 रनों की पारी आई, ठीक है, उससे पहले भी अगर आप देखोगे 79, 52, 54 है ना अच्छी अच्छी पारी आ चुकी है, और जोस बटलर को हम सब जानते हैं यार, और साथ ही साथ दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली सरफेस रहने वाला है तो जोस बटलर अच्छी पारी खेल सकते हैं, बड़ी पारी खेल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं तो भाई इनका विकेट अगर अर्षदीप सिंह ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज ये भी अच्छी पारी खेल सकते हैं। पिछले मैच में तो दोस्तों डक पे आउट ये भी हो गए थे, और पिछला मैच तो राजस्थान का बहुत ही खराब गया था, और मैं आपको बता दूं वो वाला मैच था आरसीबी के अगेंस्ट जिसमें राजस्थान रॉयल्स 59 पे ऑल आउट हो गई थी अगर आपको याद हो, ठीक है। तो उसमें तो ऐसा है कि बैट्समैन से हम ज्यादा उम्मीद करेंगे ही नहीं, उसके पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो यशस्वी जायसवाल ने भी कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस की है, एंड डेफिनेटली आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। संजू सैमसन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिकॉर्ड वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, इन्होंने भी दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस की है सीजन में, पिछले मैच को छोड़ के, पिछले मैच में तो किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की सिमरन हेटमायर के अलावा, बाकी हाँ उससे अलावा जो है पीछे इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, एंड डेफिनेटली सैमसन भी आपकी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। तीनों को दोस्तों मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में ट्राई करूंगा, ठीक है। जो रूट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो धर्मशाला का मैदान है, यहाँ पर पावर हिटर्स की ज्यादा चलती है, जो रूट थोड़े से स्लो खेलते हैं, इसलिए एक बार के लिए हो सकता है अपनी स्मॉल लीग टीम में कंसिडर नहीं करूं मैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपने पास देवदत्त पडिक्कल का ऑप्शन आ जाता है, जिन्होंने भी दोस्तों इस सीजन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, सिर्फ 150 आई थी 52 रनों की पारी, उसके अलावा किसी भी पारी में बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, ठीक है। उसके अलावा सिमरन हेटमायर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले मैच में एकलौते ऐसे बल्लेबाज थे राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से जिन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस की थी, 35 रनों की पारी खेली थी, उसके अलावा दोस्तों और किसी ने भी अच्छी पारी नहीं खेली थी। और सिमरन हेटमायर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो यार इस मैच में जरूरत पड़ सकती है पावर हिटिंग के लिए, सिमरन हेटमायर ने दोस्तों पंजाब की टीम के अगेंस्ट भी अच्छी परफॉर्मेंस किया, ये बात मैंने आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड के टाइम पर बताई थी, देन डेफिनेटली मैं सिमरन हेटमायर को अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं, ठीक है। ध्रुव यूरेल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए एक बार के लिए अपनी स्मॉल लीग टीम में कंसीडर नहीं करूंगा। रविचंद्र अश्विन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में विकेटलेस ये भी थे, उससे पिछले मैच में भी विकेटलेस थे, पिछले 2 मैच से बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दे रहे। रविचंद्र अश्विन ने दोस्तों एक एक विकेट लिया था पंजाब किंग्स की टीम के अगेंस्ट पिछले जो 2 मैच खेले हैं उनमें, अब देख लेना अगर आपको सेफ खेलना हो तो रविचंद्र अश्विन को ट्राई कर लेना, और अगर रिस्क लेना हो तो कि भाई यार हो सकता है धर्मशाला में इनकी बॉलिंग को सपोर्ट नहीं मिले, हो सकता है एक बार वापस विकेटलेस निकल जाए, वैसा सोच के अगर रिस्क लेना हो तो भाई अपनी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपने पास टेंट बोल्ट का ऑप्शन आता है, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। अगर ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है तो डेफिनेटली मैं अपनी स्मॉल की टीम में ट्राई करने वाला हूँ। संदीप शर्मा दोस्तों मैंने आपको बताई दिया है कि इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इनके पिछले 6 मैच देखोगे तो सिर्फ 3 विकेट लिए, उतनी अच्छी फॉर्म से अभी जा नहीं रहे, तो एक बार के लिए हो सकता है संदीप शर्मा को मैं अपनी स्मॉल की टीम में ट्राई नहीं करूँ। एंड युजवेंद्र चहल दोस्तों डेफिनेटली मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ, पिछला मैच दोस्तों इनका विकेट ले जरूर गया था लेकिन उससे पहले 3 मैच में 9 विकेट इन्होंने अपनी टीम के नाम किए थे। इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट पंजाब किंग्स की टीम के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए एक बार के लिए अपनी स्मॉल की टीम में उठा लूंगा। एंड केएम आशिफ दोस्तों जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं, इन्होंने दोस्तों पिछले 4 मैच अगर आप देखोगे तो टोटल 3 विकेट लिए हैं, लेकिन पिछले 2 मैच में भी 3 विकेट लिए हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रिसेंटली, लेकिन फिर भी एक बार के लिए अपनी स्मॉल टीम में हो सकता है मैं ट्राई नहीं करूं, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे चॉइसेज हैं और भी अच्छे ऑप्शन है अपनी टीम में ट्राई करने के लिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स के बारे में। अभी तक हम दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे वो देख चुके हैं, ठीक है। प्लेयर बैटल्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग तो शिखर धवन के 4 प्लेयर बैटल एग्जिस्ट करते हैं। अभी यार शिखर धवन उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं चल रहे, 4-4 प्लेयर बैटल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यार ऐसा चांस है कि शिखर धवन इस मैच में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करे, क्योंकि इन चारों में से कोई ना कोई तो इसका विकेट निकाल ही लेगा ना यार। रविचंद्र अश्विन की अगर मैं बात करूं तो 92 बॉल खेली हैं और 4 बार अपना विकेट दिया, ठीक है, और ज्यादा ठुकाई भी नहीं किया रविचंद्र अश्विन की, तो ऐसा कि अश्विन इनको बांध के रखते हैं। लेकिन बात पता क्या है कि अश्विन आएंगे मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने और शिखर धवन अगर अपना काम करना चाहें तो पावर प्ले में कर सकते हैं, ठीक है। युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूं तो भाई इनकी तो ठुकाई भी करते हैं, 78 बॉल में 106 रन बना दिए और अपना जो है विकेट 3 बार दिया है। 78 बॉल में वैसे दोस्तों देखा जाए तो 3 बार विकेट है, थोड़ा सा कम भी पड़ सकता है ना। उसके अलावा दोस्तों टेंट बॉल की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी जो है ठीक ठाक बना देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 91 बॉल में 114 रन बनाए लेकिन ओनली 2 बार अपना विकेट दिया है, तो ऐसा कि मतलब टेंट बॉल उतना ज्यादा परेशान भी नहीं करते क्योंकि 91 बॉल में 2 बार तो विकेट स्वाभाविक है, ठीक है। उसके अलावा संदीप शर्मा दोस्तों 62 बॉल में 2 बार विकेट ले चुके हैं लेकिन 83 रन लगवाए भी हैं, तो दोस्तों ये कुछ प्लेयर बैटल हैं शिखर धवन के। उसके अलावा दोस्तों जोस बटलर की अगर मैं बात करूं तो नाथन एलिस इनको परेशान करते हुए दिख सकते हैं और इसलिए नाथन एलिस को हो सकता है पावर प्ले में अच्छे खासे ओवर दिए जाए, ठीक है, क्योंकि 8 बॉल में 8 रन बनाने दिए जोस बटलर को और 2 बार बटलर का विकेट ऑलरेडी नाथन एलिस ले चुके हैं T20 क्रिकेट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो संजू सैमसन है जिनको सैम करन ने परेशान किया, 15 बॉल में 2 बार विकेट सैम करन ले चुके हैं इनका। एंड यशस्वी जायसवाल का दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्षदीप सिंह अगर परेशान कर सके तो कर सकते हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक यशस्वी जायसवाल जिस तरीके की फॉर्म है उनको और कोई परेशान कर सकता है। बाकी यशस्वी जायसवाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो भाई ओनली 8 बॉल इन्होंने अर्षदीप सिंह की खेली है जिनमें ओनली 6 रन इन्होंने बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट जो है अर्षदीप सिंह को ये दे चुके हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों ये जो भी प्लेयर बैटल्स मैंने आपको बताया, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये आप अपने दिमाग में रखना जब भी आप अपनी स्मॉल की टीम बनाओ चाहे से अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ। अब दोस्तों देखो यार अभी तक इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो देख ही चुके हैं, अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक डेमो टीम मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों वही बात है यार ये जो भी टीम मैं आपको दिखाऊंगा ये रहेगी एक डेमो टीम, ठीक है, इसको फाइनल टीम मत समझ लेना, इसको कॉपी करके इसको छाप के अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत कर लेना भाई, आप अपना नुकसान करवा सकते हो, ठीक है। अपनी जो फाइनल टीम रहेगी दोस्तों वो टॉस के बाद बनेगी, जो कि मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई दी थी। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों लिंक मैंने आपको बताई दी कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अपना ये वीडियो दोस्तों 1-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है नीचे डिस्क्रिप्शन खोल लेना या फिर कमेंट खोल लेना, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना और आप भी लाखों लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। बाकी दोस्तों अपनी जो डेमो टीम है वो आपकी स्क्रीन के सामने, इसमें देख लो मैंने कौन कौन से प्लेयर रखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये वाली टीम भी मैंने बनाई है विजन 11 के ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं तो खुद यहीं पर इन्वेस्ट करता हूं, मैंने तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि विजन 11 एक बार डाउनलोड करो, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात करूं दोस्तों टीम की तो देखो यार इसमें मैंने जोस बटलर को रखा है, संजू सैमसन को रखा है, यशस्वी जायसवाल को रखा है, शिमरन हेटमेयर को रखा है, राजस्थान के तो ये बैट्समैन हो गए, और पंजाब की टीम की तो तरफ से दोस्तों शिखर धवन को रखा है। अगर आप दोस्तों अथर्व ताइडे को रखना चाहो या परमसिमरन सिंह को रखना चाहो जो कि पंजाब के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, परमसिमरन सिंह ने तो राजस्थान के अगेंस्ट अच्छी पारी भी खेली है, ठीक है, तो इनको अगर आप इंक्लूड करना चाहो कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों मैंने लियाम लिविंगस्टन को रखा है, सैम करन को रखा है, आपके पास डेफिनेटली रविचंद्र अश्विन का ऑप्शन अवेलेबल है जिनको आप अपनी टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। देन बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने युजवेंद्र चहल को रखा है, ट्रेंट बोल्ट को रखा है, अर्षदीप सिंह को रखा है और नाथन एलिस को रखा है, आपके पास कगिसो रबाडा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये तो है अपनी डेमो टीम, इसमें अगर आप खुद की तरफ से कोई चेंज करना चाहो, इन चारों प्लेयर में से कोई प्लेयर इंक्लूड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, और मेरी तरफ से कोई चेंज होगा, कोई अपडेट होगा तो वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप में से जिस भी भाई ने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है ये चैनल, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, ठीक है, जोस बटलर, संजू सैमसन, ये सब आप लोगों के लिए डिसेंट चॉइस हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए।